हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम DJI Go 4 ऐप के बारे में और कुछ जानेंगे। आज मैं जो बात बताने वाला हूँ उसमें आपको ड्रोन या इसके रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए आपका मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन। जो फ़ोन में आपका इंटरनेट कनेक्शन हो और अंदर DJI Go 4 की ऐप हो, उस फ़ोन के अंदर आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आप आसानी से सीख सकते हैं। सीधे चलते हैं हम अपने DJI Go 4 की ऐप के इंटरफेस के ऊपर। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में सिम्युलेटर के बारे में सीखा था, बिल्कुल उसी तरह हमको जाना है DJI Go 4 के इंटरफेस में और राइट साइड में ऊपर जो तीन डॉट है वहाँ टच करना है। तो चलिए चलते हैं DJI Go 4 के इंटरफेस पे। DJI Go 4 का इंटरफेस है, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में तीन लाइन दी गई है, वहाँ से टच करते ही एक मेनू खुल जाएगा। उसके ऊपर सबसे ऊपर है एकेडमी, उसको टच करते ही एक सब मेनू खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले है सिम्युलेटर, जो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। उसके नीचे तीन और ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स, फ्लाइट ट्यूटोरियल्स और यूज़र मैनुअल। वीडियो ट्यूटोरियल में आपको कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। उसमें सेफ्टी ट्यूटोरियल्स भी दिए गए हैं। पहला है हाउ टू अनलॉक जियो जोन्स, सेकंड है हाउ टू मेजर द विंड स्पीड ड्यूरिंग फ्लाइट वगैरह, लास्ट में है ऐप ट्यूटोरियल, जिसमें आप ऑफलाइन मैप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं उसका ट्यूटोरियल दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। सेकंड है फ्लाइट ट्यूटोरियल्स, जिसमें सबसे पहले है बिगिनर टिप्स, अगर आप नए हो तो आपके लिए कई सारी टिप्स इधर दी गई है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। सेकंड है हॉट टिप्स, जिसमें फ्लायर के लिए अच्छी टिप्स दी गई है। लास्ट है FAQ, जिसमें कुल सवाल जवाब दिए गए हैं। सॉल्यूशन ऑफ बैटरी और सेकंड में देखो आप, हम देख सकते हैं अंदर बैटरी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज इसमें दिया गया है। बैटरी का क्या इंडिकेशन, क्या प्रॉब्लम दिखाता है, सब कुछ इसमें दिया गया है। लास्ट है यूजर मैनुअल, जो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके साथ जो हार्ड कॉपी आती है वही इधर उधर सॉफ्ट कॉपी दी गई है, आप कोई भी यूजर मैनुअल इधर से डाउनलोड कर सकते हो। मेनू में सेकंड है ऑफलाइन मैप, आप इधर से वर्ल्ड का कोई भी मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डाउनलोड बटन दिया गया है, इसमें आपको नाम पूछेगा, डन करते ही डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। थर्ड है फ्लाइट रिकॉर्ड, इसमें आपको आपने कहाँ कहाँ किस जगह पे किस समय पे कितनी फ्लाइट की थी उसके बारे में पूरा डाटा इधर से मिल जाएगा। हम देखते हैं 8 तारीख को 8वें महीने में एक फ्लाइट की थी मैंने, उसका डाटा दिखा रहा हूँ। नीचे स्टार्ट करते ही मेरा होम पॉइंट किस जगह पे बना है, ऊपर GPS कितने मिल रहा है, मेरी बैटरी कितनी है, टोटल मैंने कितनी फ्लाइट की, मेरी टॉप स्पीड क्या थी, मेरा डिस्टेंस क्या था, मेरी हाइट क्या थी, मैंने किस पाथ पे फ्लाइट की थी, सब डेटा इधर से मिल जाता है। इधर से आप अपना मैप भी चेंज कर सकते हो, सेट स्टैंडर्ड की जगह मैं अभी हाइब्रिड कर रहा हूँ। मैंने इस बात पे फ्लाइट की थी, कौन सा नोज डायरेक्शन था वो भी इसमें पता चल जाता है, स्पीड कौन सी थी वो भी आपको पता चल जाता है।
कभी भी आपका अगर कोई संभव एक्सीडेंट होता है तो आप इधर से आपकी फ्लाइट की पूरी डेटाबेस इधर से निकाल सकते हैं। इसमें सेटिंग में जाकर आप अपना पूरा डेटा क्लियर भी कर सकते हैं या आपका डेटा सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। ऊपर राइट साइड कॉर्नर में जो सिंक्रोनाइज का बटन दिया गया है उससे आप सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। फोर्थ स्टोर स्टोर में आपको DJI की अलग अलग प्रोडक्ट की पूरी माहिती इसमें मिल जाएगी, उसका प्राइस क्या रहता है वो भी मिल जाएगा, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल भी इसमें आपको मिल जाएगी। फाइंड माई ड्रोन फिफ्थ, इसमें आपको लास्ट आपकी बैटरी कहाँ पे अनप्लग की है आपने, या तो अनप्लग हुई जहाँ पे लास्ट आपके क्राफ्ट को पावर सप्लाई मिल रहा था लास्ट तक, वहाँ का लोकेशन आपको दिखाएगा। ये रेड एरो है वो मेरा क्राफ्ट का है, 13 दिन पहले मैंने यहाँ उड़ाया था। ब्लू मेरा अभी का लोकेशन है जहाँ राइट नाउ अभी अभी मैं जहाँ पे हूँ, ये ब्लू वाला GPS लोकेशन अभी मेरा है वो दिखा रहा है। अगर आपका क्राफ्ट कहीं गुम हो जाता है तो आप इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं। आखिरी में है फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन इंफॉर्मेशन, यानी कि जहाँ जहाँ पे नो फ्लाई जोन है उसके बारे में इधर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ब्लू डॉट लाइव मेरा अभी जो अभी का लोकेशन वो दिखा रहा है, मैं नो फ्लाई जोन के ब्लू एरिया में हूँ। अगर हमको कहीं उड़ाना जाना हो क्राफ्ट और वहाँ पे कोई जियो लोकेशन पे अगर कोई बैन है तो आप इधर से पहले ही देख सकते हैं। ये वडोदरा का एयरपोर्ट है जो नो फ्लाई जोन में है। ये सूरत का भी दिखा रहा है, भावनगर का, यानी कि सारे नो फ्लाई जोन को आप इधर से देख सकते हैं। नीचे चलते हैं, नीचे ये शॉर्टकट दिया गया है फ्लाइट डाटा का पूरा जो हम आगे पहले देख चुके हैं। उसके नीचे है इक्विपमेंट, जो इंटरफेस पे अभी हम है वही है इक्विपमेंट। उसके बाजू में है एडिटर, एडिटर में जाता ही आप आपका जो भी डाटा फोन में है उसको आप एडिट कर सकते हो ऑटो या मैन्युअली दोनों तरीके से, पर वही डाटा एडिट करके या विदाउट एडिट आप सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हो। इसमें एक पूरा वीडियो बन सकता है, इसलिए मैं अभी इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए बाद में एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाजू में स्काई पिक्सल, स्काई पिक्सल DJI की खुद की सोशल साइट है जिसमें DJI के वर्ल्ड के कई सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो अपना अच्छे फोटो या वीडियो इधर शेयर करते हैं जो आप देख सकते हो। इधर से आप अच्छे अच्छे वीडियो या फोटो देख के आप अपने लिए भी अच्छे वीडियो ट्राई कर सकते हो, या आपके अच्छे वीडियो इधर भी आप शेयर कर सकते हो। यहाँ से आपको अच्छी हिंट मिल सकती है। ऊपर है पॉपुलर, ये पॉपुलर वीडियो है सब। बाजू में रिसेंट, यानी कि रिसेंट ही जिसने वीडियो अपलोड किया है फोटो अपलोड किया है वो दिखाएगा। लास्ट में फॉलोइंग, जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसके वीडियो या फोटो इधर से दिखाएगा। इधर से आप
अपने फोटो पब्लिक पब्लिश कर सकते हो। नीचे लास्ट में मी है, मी में आपने किस आईडी पे लॉगिन किया है वो दिखाता है ऊपर। उसके मेनू में सबसे ऊपर है डीजे स्टोर, जो हम पहले देख चुके हैं कि डीजे स्टोर की सारी प्रोडक्ट के फोटो वीडियो या उसके पूरी डिटेल्स प्राइस सब इधर से मिल जाएगा आपको। सेकंड है माय एफिलेट अकाउंट, आपने किसी से कोई खरीदारी करवाई है तो आपको जो भी कमीशन मिलना चाहिए वो इधर से आपको मिल सकता है। थर्ड है फ्लाइट रिकॉर्ड, जो हम आगे देख चुके हैं। फोर्थ है डीजे फोरम, इसमें आप डीजे के बारे में कोई भी चैट कर सकते हो। इधर से भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिफ्थ है डीजीआई सपोर्ट, आप इधर से कंपनी को डायरेक्ट मेल कर सकते हो और कंपनी का सपोर्ट ले सकते हो। लास्ट में है मोर, जिसमें गिफ्ट कार्ड ये है सबसे पहले। सेकंड है जियो जोन अनलॉकिंग एप्लीकेशन, अगर हमने कोई जियो जोन की अनलॉकिंग एप्लीकेशन दी है तो इधर दिखाएगा, फिलहाल मैंने कोई नहीं दी है तो अभी ब्लैंक है। सेटिंग्स में आप अपना मोबाइल का डेटा यूज़ करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, कैच क्लियर करना चाहते हो तो नहीं करना चाहते हो, नहीं चाहते हो इधर से कर सकते हो। रिसेट बिगनर्स गाइड भी इधर से सेट करते हो, प्राइवेसी सेटिंग चेंज कर सकते हो और साइन आउट भी इधर से हो सकते हो, अपडेट चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स अभी हम जेल चलते हैं इक्विपमेंट में, फिलहाल के लिए आज का वीडियो इधर ही समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम डीजे गोप की गो ऐप की अंदर की सेटिंग्स में के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।